गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और बात करूंगी इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के दो युवा नेताओं को लेकर। एक युवा नेता जो पहले से ही चर्चाओं में रहे हैं और एक युवा नेता अभी हाल फिलहाल अपने भाषण को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। और चर्चाओं में इसलिए भी आ गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका वीडियो शेयर किया और इनको अपने सबसे छोटे दोस्त के तौर पर करार दिया और इनकी जमकर तारीफ की। मैं बात कर रही हूँ लद्दाख से सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल की। नाम भी ज़बरदस्त है, काम भी ज़बरदस्त है, भाषण भी ज़बरदस्त है और दिखते भी ज़बरदस्त हैं। और जिस तरह से नामग्याल पहुँचे लद्दाख और वहाँ पर उनका बेहतरीन तरीके से स्वागत किया गया बीजेपी मुख्यालय में, उससे साफ साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है लद्दाख में जो बीजेपी का मुख्यालय, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, वहाँ पर जिस तरह से इनका स्वागत किया गया वाकई बता रहा था कि भाई अब तो नामग्याल के सितारे जो हैं बुलंदियों पर पहुँच गए हैं। और जैसा कि आपने और देश पूरी देश ने देखा था उस वक्त जब धारा 370 को लेकर बहस चल रही थी, तब जामयांग शेरिंग नामग्याल ने किस तरह से विरोधियों और PDP NC जितनी भी पार्टियाँ थी सबके छक्के छुड़ा दिए वहाँ पर और मुँह तोड़ जवाब दिया। ऐसी बातें रखी जिस पर अमित शाह अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बीजेपी के लोग वहाँ पर डेस्क थपथपाते रहे, तो वहीं विरोधी जो थे वो चुपचाप सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके पूरी तरह से एकदम हताश परेशान कुछ भी एकदम स्पीचलेस थे विरोधी। और नामग्याल बोले जा रहे थे। अब ऐसे में नामग्याल, जिनका नाम सबसे कभी किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन धारा 370 पर स्पीच देकर जो उन्होंने दिल लूटा है बीजेपी का, पीएम मोदी और अमित शाह का, वो बता रहा है कि आने वाले दिन में उनका भविष्य और भी ज़्यादा उज्ज्वल होने वाला है। अब ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरह से नामग्याल के चर्चे इस वक्त बीजेपी में ज़ोरों शोरों से हो रहे हैं, उससे उन बाकी युवा नेताओं को कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब मिला है जिनके चर्चे तो आप शून्य के बराबर ही हैं। मैं फिलहाल अभी जिन युवा नेता की बात करने वाली हूं वो है वरुण गांधी। पीलीभीत से भाजपा सांसद है वरुण गांधी और वरुण गांधी को लेकर जिस तरह से बातें निकल कर सामने आती, हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी ने इंटरव्यू दिया था, पीएम मोदी अमित शाह की तारीफ की थी और पीएम मोदी को तो पिता तुल्य तक करार दे दिया था। इसके अलावा कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने बताया था कि मैं मरते दम तक बीजेपी में रहूँगा और जिस दिन राजनीति से संन्यास लूँगा उस दिन मैं पूरा बुरिया बिस्तरा बांध के मैं निकल जाऊँगा, लेकिन मैं कांग्रेस में शामिल किसी भी कीमत पर नहीं होऊंगा। अब नामग्याल का नामग्याल जिस तरह से चर्चाओं में आए हैं, अब वरुण गांधी भी उनकी तुलना होनी शुरू हो गई है। इसलिए तुलना शुरू होनी हो गई है क्योंकि पार्टी में और भी युवा नेता है, लेकिन कभी पीएम मोदी ने किसी और नेता का, किसी युवा नेता का खास तौर पे वीडियो ट्वीट करके जनता के सामने नहीं पेश किया। लेकिन नामग्याल में ऐसी क्या खासियत है? जाहिर सी बात है उन्होंने एक संजीदा मसले पर बात रखी और एकदम मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने जो बात रखी और जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां किया, जाहिर सी बात है काफी सालों से लद्दाख के साथ जो जातियां हो रही हैं, जम्मू कश्मीर जो जातियां कर रहा है वहां पर लद्दाख के साथ, उसको लेकर बयां किया और शायद उसी बलबूते वो लद्दाख की जनता ने उन्हें चुनकर लोकसभा भेजा। उन्होंने खुद लोकसभा में बोला कि मैंने वहां पर केंद्र शासित प्रदेश होने के क्या फायदे हैं जनता को बताया और जनता ने मेरी बातों पर विश्वास करके मुझे यहां पर लोकसभा का सदस्य बनाकर भेजा है, मैं उनकी तरफ से बात रखना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सी बातें कही कि दो परिवारों की रोटी का मसला है और कुल मिलाकर उन्होंने ये भी बोला कि आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन जब आपको अपने घर की रोटी याद आती है तो आप चुनाव लड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी उन्होंने महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सबको जमकर लपेट लिया और इसी बीच जिस तरह से उनके नाम के चर्चे हो रहे हैं, उनकी वाहवाही हो रही है, अब ये बात सोचने को मजबूर कर रही है कि आप वरुण गांधी से अब दर्जा अव्वल हो गया है नामग्याल का। नामग्याल निस्संदेह उम्र में कम होंगे वरुण गांधी से, लेकिन वरुण गांधी कई सालों से बीजेपी की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन कभी पीएम मोदी ने वरुण गांधी का कोई वीडियो शेयर नहीं किया। जाहिर सी बात है तुलना करनी पड़ेगी क्योंकि दो युवा नेता हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए नामग्याल का ओहदा वरुण गांधी से अपने आप ऊपर होता जा रहा है और ऊपर हो भी गया है। अमित शाह और पीएम मोदी ने कभी भी खुले तौर पर वरुण गांधी के बारे में कोई बयान नहीं दिया, कभी उनकी तारीफ नहीं की। आज तक अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत बामुश्किल अमित शाह और पीएम मोदी के साथ जो है वरुण गांधी की फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी। हालाँकि वरुण गांधी जो है वो रीट्वीट कर, माफ़ी चाहूँगी, वरुण गांधी की जो माँ है मेनका गांधी, वो पीएम मोदी के रीट्वीट करती रहती हैं, ट्वीट को रीट्वीट करती रहती हैं, लेकिन वरुण गांधी ने आज तक जो मैंने उनका खंगाला है मीडिया अकाउंट, उसमें कभी भी उन्होंने पीएम मोदी अमित शाह के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। हालांकि वो उनकी तारीफें करते हैं, अब उसके पीछे की वजह क्या है ये तो राजनीतिक भी हो सकता है या फिर सम्मान भी हो सकती है वजह, लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल नामग्याल की वजह से कहीं ना कहीं जो वरुण गांधी अब फीके पड़ते नजर आ रहे हैं बीजेपी में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जाहिर सी बात है राजनीति दोनों के अलग है, एक लद्दाख का सांसद है, दूसरा उत्तर प्रदेश के जिले से सांसद है, पीलीभीत से सांसद है, राजनीति दोनों की अलग अलग है, लेकिन कर रहे हैं राजनीति दोनों एक ही पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों ही युवा नेता हैं, लेकिन एक जो है अभी
अभी अभी जिसने राजनीति में कदम रखा, सांसद पहली बार बने हैं नामग्याल, इससे पहले वो सेवा करते रहे हैं पार्टी के, पार्टी में जो भी उन्हें ओहदा मिला उसके आधार पर वो सेवा करते रहे हैं जनता की, लेकिन इस बार उन्हें मोदी सरकार ने टिकट दिया, पीएम मोदी ने टिकट दिया और वो लड़कर जीत कर चुनाव जीत कर पहुंचे लोकसभा। अब ऐसे में कुल मिलाकर वरुण गांधी से इसीलिए नामग्याल की तुलना की जा रही है कि नामग्याल जो इतने उनसे कम उम्र में हैं लेकिन फिर भी उनके चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं, वहीं वरुण गांधी जो सिर्फ फायरब्रांड की छवि के तौर पर सामने आए थे, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने पर सामने आए थे, विवादों से उनका नाता रहा, लेकिन नामग्याल को लेकर अभी तक ऐसी तरह की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे उनकी छवि प्रभावित होती हुई नजर आए। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जामयांग शेरिंग नामग्याल जो हैं ऊपर बढ़ते जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वरुण गांधी का ओहदा अब कम होता नजर आ रहा है। नमस्कार।